हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। पार्ट वन के 2024 के पेपर में कौन से पार्ट वन के 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए और 3 मार्क्स के कौन से, मैं फटाफट वो सॉल्व करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, कंस्ट्रक्ट टू टेबल बोला सेक्शन बी में, क्या बोला बेटा सेक्शन बी में कंस्ट्रक्ट टू टेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया बेटा, पी इम्प्लाइज क्यू दिया, उसके बाद क्या बोला बेटा एंड क्यू दिया, और उसके बाद इम्प्लाइज क्या बोला बेटा पी बोला, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल बनाना है बेटा आपको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। पी क्यू, ओके, पी इम्प्लाइज क्यू, उसके बाद क्या आता पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्या लिख लेता क्यू, और जो आंसर आता उसको अपन किसके साथ करेंगे बेटा, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू, फिर फाइनली इम्प्लाइज पी के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज करेगा, ट्रूथ टेबल बरोबर लिख लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है लिखना, इसके बाद आंसर आप आराम से निकाल सकते हो, ये बरोबर आना चाहिए बस, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या करना है इसको आपको, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ठीक है। पी इम्प्लाइज मतलब एक ही फॉल्स रहेगा, बाकी सबके सब ट्रू, और पी इम्प्लाइज क्यू को किसके साथ करेंगे, क्यू के साथ, टी एफ टी एफ, और इस बंदे को पी के साथ करना पड़ेगा, पी के साथ क्या करेंगे इम्प्लाइज, टी टी क्या आता बेटा टी चाहता, टी एफ, तो ध्यान से रखना एफ टी बोले तो भी क्या आता बेटा टी चाहता, टी एफ बोले तो क्या आता एफ, और एफ बोले भी क्या टी, इसमें ऑर्डर मैटर करना है, ये फाइनल आंसर है बेटा आपको, क्योंकि पहले इसका जो आंसर है इसको पी के साथ करना है, वो भी इम्प्लाइज करना है, टी 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 एफ टी टी होता, टी एफ है तो एफ होता, बाकी हर जगह ट्रू हो जाता, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला बेटा, कॉस थीटा साइन थीटा इज इन्वर्टेबल है या नहीं है, चेक करो बोला, कॉस थीटा साइन थीटा, और नीचे क्या दिया बेटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर बोल रहा बेटा, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे बेटा, इसको ए मैट्रिक्स मान लो, अब इसका डिटरमिनेंट देखते क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आती बेटा इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट इक्वल टू वन, वन मतलब क्या हो रहा, नॉट इक्वल टू वन, नॉट इक्वल टू वन का मतलब होता है इन्वर्टेबल, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू वन मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, विच मैट्रिक, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता, ठीक है। अब आगे चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसको उड़ा दो एक सेकेंड, ट्रायंगल एबीसी क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायंगल एबीसी क्या दिया बेटा, इफ स्मॉल ए इज इक्वल टू 18, स्मॉल बी इज इक्वल टू 24, स्मॉल सी इज इक्वल टू 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए बाई टू पूछा बेटा। तो आपको मेरे ख्याल से साइन ए बाई टू का ऑफ एंगल फॉर्मूला बताऊंगा बेटा, क्या होगा देख लो, मैं बता देता हूँ क्या आ सकता, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाय बी सी। तो सबसे पहले एस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ए बोले तो कितना 18, बी बोले तो 24, सी बोले तो 30 डिवाइड बाय 2, तो एस इज इक्वल कितना 18 और 24 और 30, ठीक है। तो देख लो बट ऐड करके कितना हो जाएगा इसमें 30 24 18 12 एक क्या आएगा 5 छः सात मतलब 72, 72 बाई 2 बोले तो 36 आ जाता है इसकी वैल्यू, तो एस की वैल्यू जब 36 आती है तो 36 माइनस बी बोले तो 24, 36 माइनस सी बोले तो 30 डिवाइड बाई बी सी बोले तो 24 इंटू 30, ठीक है। अब देख लो बेटा 36 में से 24 अगर जाएगा तो बचेगा कितना बेटा, 6 में से 4 गए तो कितना बेटा 2, और 3 में से 2 गए तो 1 12, और 36 में से 30 गए तो कितना 6, और डिवाइड बाय कितना 24 इंटू 30, ठीक है। देख लो 12 वन ज़ा 12, 2 ज़ा 6, 1 ज़ा 6, 5 ज़ा आंसर विल बी अंडर रूट 1/10, ठीक है। तो फाइनली क्या हो बेटा 1/√10 बोल के लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इजी है बेटा क्वेश्चंस थोड़ा सा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, बोल रहे बेटा ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। ट्वाइस देयर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एम वन सम ऑफ द स्लोप्स, फाइंड द के वैल्यू सम ऑफ द स्लोप्स देन द लाइन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। मतलब एम वन प्लस एम टू जो है वो किसके बराबर है बेटा? टू टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको इक्वेशन क्या दिया बेटा, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, और बाजू में क्या बोला, माइनस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले सम ऑफ द स्लोप निकालेंगे, एम वन प्लस एम टू क्या है बेटा, माइनस टू एच बाई बी, और एम वन एम टू क्या है बेटा, ए बाई बी। ये पहले निकाल लेना और उसमें पुट किया तो आंसर निकल जाता, सीधी सी बात। ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस थ्री, और टू एच इज इक्वल कितना, के, ठीक है। तो क्या लिख लेता बेटा, टू एच इज इक्वल के बोले तो माइनस के बाय माइनस थ्री, के बाय थ्री हो गई। ए की वैल्यू कौन है बेटा, वन, और बी की वैल्यू कौन है, माइनस थ्री। पुट कर दो बेटा सम ऑफ द स्लोप, बोले तो कौन है, के बाई थ्री इज इक्वल्स टू टू इंटू एम वन इंटू एम टू। ये स्लोप है बेटा, यहाँ पे एम वन एम टू प्रोडक्ट है, इज सम ऑफ द स्लोप एंड दिस इज प्रोडक्ट। मैंने गलती से एडिशन लिखा वहाँ पे, और टू इंटू एम वन एम टू बोले तो वन अपॉन माइनस थ्री, थ्री थ्री गायब हो जाता बेटा, के की वैल्यू आती माइनस टू। पूरे दो मार्क के क्वेश्चन है बेटा, एकदम सिंपल वाले, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लो बेटा, वेक्टर का है, ए बी सी आर दी पोजिशन वेक्टर, ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली फाइव ए वेक्टर माइनस थ्री बी वेक्टर माइनस टू सी वेक्टर इज इक्वल क्या बोला, जीरो। देन फाइंड द रेशियो विच इज द पॉइंट ऑफ सी, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ बी ए, बोल डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ बी ए। तो अपन एक काम कर सकते बेटा, फाइव ए माइनस थ्री बी इज इक्वल क्या लिख लेता, टू सी। तो 5a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर डिवाइड बाय क्या लिख लेता, 2 इज इक्वल कितना, c वेक्टर। 2 को रेशियो क्या लिखेंगे बेटा, एक्सटर्नली लगेगा, 5 में से 3 निकाल देंगे तो कितना आता, 2। तो अपना जो रेशियो वो क्या है बेटा, 5:3। काम हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब इसमें पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजिशन वेक्टर दिया है। पोजिशन वेक्टर मतलब सीधी सी बात है, ए वेक्टर आपको दिया, क्या दिया बेटा, 4i माइनस जे प्लस क्या दिया, 2k, और पैरेलल टू द गिवन वेक्टर मतलब बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या दिया, माइनस 2i माइनस जे प्लस क्या लिख लेता, k। तो r इज इक्वल क्या आता, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो R इज इक्वल टू 4i माइनस जे प्लस 2k लैम्डा इंटू माइनस 2i माइनस जे प्लस क्या लिख लेता, k। ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन सेक्शन बी खत्म हो गया बेटा, सेक्शन बी पार्ट 1 के पूरे क्वेश्चन क्लियर हो गए, ओके। अब सेक्शन सी पे चलते बेटा, पार्ट 1 के क्वेश्चंस, ठीक है ना, 3 मार्क के क्वेश्चंस देख लेना आराम से, क्योंकि पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन पार्ट 1 के रहते हैं और बाकी जो रहेंगे वो पार्ट 2 के रहेंगे। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन, उसमें से आपको कितने सॉल्व करने रहते हैं, 8 रहते हैं, ठीक है। तो अभी अपन खाली सेक्शन सी जो है उसमें खाली पार्ट 1 की कर रहे, पार्ट 2 का नहीं कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बच्चों का पार्ट 2 का सिलेबस हुआ नहीं, ओनली पार्ट 1 का हुआ है, इसलिए मैं उनको करके दे रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं पीवीएसए के पेपर में, ठीक है ना, उसके लिए आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। सेक्शन सी, एक्सप्रेशन द स्विचिंग सर्क्यूट सिंबॉलिक फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 मान सकता हूँ इसको, 15 दिया आपको, तो एक टेबल बना के दिया बेटा आपको, स्विचिंग टेबल सर्क्यूट बनाए सॉरी, उस सर्क्यूट को अपन क्या बनाना है, स्विचिंग टेबल बना लेना है, ठीक है। एस वन डैश एस टू, ए बी डैश है बेटा, क्लियर पॉइंट, जस्ट ये बैटरी हो गई, इसको लैंप लिख लेता, ओके,
इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूँ, क्या लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, एस वन और एस टू एंड एस वन डैश एंड एस टू डैश। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आता, पी आर क्यू एंड नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है, ये होगा बेटा सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, इसका क्या बनाना है आपको, स्विचिंग टेबल बनाना है, सिंबॉलिक फॉर्म, ओके, एक मार्क इसको और बाकी टेबल बनाने को दो मार्क करेंगे, पी क्यू नेगेशन पी नेगेशन क्यू। तो पहले इसमें क्या लिखूंगा, पी आर क्यू नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, लास्ट में इन दोनों को एक्स मान लेता, वो आंसर आपको बनाना है। अब यहाँ पे ट्रूथ टेबल यूज नहीं करना, टी बोले तो वन, एफ बोले तो जीरो कर लेना, ठीक है, तो देख लेना क्या होता है, वन 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 जीरो, जीरो वन जीरो जीरो, चार ही आएंगे, नेगेशन जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन, और मैं मान लो मैंने बेटा एक ही जीरो रहता है, बाकी सब के सब क्या रहते, वन रहते, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, वन वन वन, आखिरी में इन दोनों के बीच में कौन आ रहा बेटा, एंड आ रहा साइड बोले तो, ठीक है, वन जीरो कितना, जीरो 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 जीरो, पूरे के पूरे जीरो आएंगे, क्यों जीरो आ रहे हैं दिख रहा है क्या, क्योंकि एंड बोला है बीच में, तो ये दोनों का जो आंसर है इसका वन वन है और इसका जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, पूरे के पूरे जीरो आएंगे क्योंकि बीच में एंड है। ओके, ये सेक्शन सी का तीन मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूछा था बेटा, ध्यान से देख लेना, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट टैन इनवर्स 1 बाई टू प्लस टैन इनवर्स 1 बाई थ्री और इज इक्वल टू पाई बाई फोर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, फॉर्मूला मालूम है ना, टैन इनवर्स ऑफ x प्लस टैन इनवर्स ऑफ y, क्या बेटा फॉर्मूला, टैन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो एकदम सिंपल है बेटा, फॉर्मूला तो क्लियर हो गया, तो ये फॉर्मूला को क्या लिखेंगे, टैन इनवर्स ऑफ वन बाई टू वन बाई थ्री अपॉन वन अपॉन वन, सॉरी वन माइनस वन अपॉन वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री, होल ब्रैकेट लगा लो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, एकदम सादा क्वेश्चन है, 3 प्लस टू डिवाइड बाई सिक्स, सिक्स माइनस वन डिवाइड बाई सिक्स, सिक्स सिक्स कटेगा, तो टैन इनवर्स की वैल्यू क्या आती है बट आपको पता है, 5 अपॉन 5, 5 5 कटेगा, तो टैन इनवर्स इक्वल कितना आ रहा, 1, 1 का मतलब कितना, पाई बाई फोर, ये आपका RHS निकल गया। ठीक है, इतना ही लिखना है, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन बड़ा करने की कोई गरज नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट 17th देख लो बेटा, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी प्रूफ करना है बेटा, ये भी कुछ तो आंसर दिया बाजू में, प्रूफ दैट कॉस a कॉस b कॉस c इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी, ये भी एकदम सस्ता क्वेश्चन है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय टू ए बी सी, बस आपको कॉस ए का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, कॉस ए का फॉर्मूला मालूम होगा तो काम होगा, कॉस ए का फॉर्मूला क्या बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय टू ए बी सी, क्योंकि टू ए बी सी लिखता हूँ, टू बी सी लिखता बट इधर ए ऑलरेडी है, उसलिए टू बी सी डायरेक्ट लिख दिया, तो उसलिए पहले क्या करता आपको चाहिए, तो टू बी सी लिखता, नीचे फ्रैक्शन में ए लिखता, कॉस बी बोले तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी डिवाइड बाय बी, कॉस सी बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी डिवाइड बाय क्या लिख लेता, सी, तो क्या आता बेटा इसका आंसर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय टू ए बी सी,
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय टू ए बी सी, क्योंकि अपन ऐसा लिख सकते हैं ना ऊपर फ्रैक्शन बोले तो। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय टू ए बी सी, तो डिनोमिनेटर सेम है सबके, टू ए बी सी क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, मुझे लगता है पूरे के पूरे प्लस ही है बेटा, बीच में इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, वन सेकेंड, तो ये प्लस रहेगा यहाँ पे माइनस रहेगा। चलो कुछ टर्म है वो उड़ा देंगे बेटा और कुछ टर्म बचेंगे, देख लेंगे क्या क्या हो जाएगा। माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो फाइनली आंसर क्या बचा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय टू ए बी सी बच गए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, एक पूछा था बेटा 17वां क्वेश्चन, ठीक है, और एक देखता हूँ सेक्शन सी में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो सबको आता है, बताने की गरज नहीं, एंगल बिटवीन वाला एक बताता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना, d इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, डायरेक्ट निकल जाता है। वो भी एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन दिया उसने। नेक्स्ट क्या बोला बेटा, फाइंड द एंगल बिटवीन बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस टू जी प्लस के लैम्डा इंटू आई प्लस जे प्लस क्या लिख लेता के, और जो ये लाइन का इक्वेशन है और प्लेन का इक्वेशन देखो बेटा क्या दिया, आर डॉट टू आई प्लस जे प्लस के और इजी कॉस्ट कितना 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाने की गरज नहीं क्योंकि एक लाइन और एक प्लेन, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी एन मैग्नीट्यूड ऑफ एन। ठीक है, चलो अब डॉट कर दो बेटा दोनों को, बी बोले तो कौन है आई प्लस जे प्लस के डॉट, एन बोले तो टू आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, अब इनका मैग्नीट्यूड करता बेटा, वन प्लस वन प्लस वन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू स्क्वायर फोर वन प्लस वन, तो फाइनली देखो बेटा साइन थीटा की वैल्यू क्या आती, टू वन ज़ा टू वन ज़ा वन अगेन वन अंडर रूट ऑफ थ्री अंडर रूट ऑफ सिक्स, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लेता, फोर अपॉन सिक्स थ्री ज़ा अंडर रूट 18। ठीक है, अब मुझे बताओ अंडर रूट 18 को कुछ लिख सकते, नाइन टू ज़ा 18। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू फोर अपॉन क्या लिख लेता बेटा, अंडर रूट 18 को टू रूट टू लिख सकता, थ्री रूट टू सॉरी, क्यों थ्री रूट टू लिख सकता, थ्री अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, नाइन हो जाए, नाइन टू ज़ा 18। ठीक है, और इसको कुछ कर सकते अपन, छोड़ दो, मुझे लगता है छोड़ दो, रैशनलाइज कर सकते बट कोई गरज नहीं, फोर अपॉन थ्री रूट टू लिख सकते, अगर आपने रैशनलाइजेशन किया इसका थ्री टू इंटू टू, इसका रैशनलाइजेशन करता हूँ और इधर थ्री लिख लेता हूँ, तो साइन थीटा इज इक्वल कितना टू बाई रूट थ्री, इसका रैशनलाइजेशन कितना आता रूट टू आ जाता, क्योंकि रूट टू कर देंगे तो टू रूट टू टू कटेगा बचेगा रूट टू, तो साइन थीटा इज इक्वल फाइनली क्या हो जाता टू रूट टू डिवाइड बाई थ्री, ये साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, दिस इज फर्स्ट सेक्शन सी, थ्री मार्क्स क्वेश्चन, एकदम डेड इजी, इस बार का पेपर एकदम सस्ता मतलब एकदम भारी आया था, कुछ भी नहीं था, पार्ट टू के भी क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक है, वो भी करवा देता हूँ बट पार्ट टू अपना हुआ है इसलिए पार्ट टू थोड़ा सा अच्छे से कर लूँ। ठीक है, चलो थैंक यू।